दोस्तों हम आए हैं गाड़ी का टायर बदलवाने, जो कि मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में भी दिखाया था कि राइट साइड का जो ड्राइवर साइड वाला टायर होता है उसमें बारिश के दौरान कट लग गया था। पता नहीं कोई पॉट होल दिखानी और या फिर उसकी जो सिल्ली होती है पॉट होल की, उसका कॉर्नर निकला हुआ था, वो पूरा उस पर गाड़ी चढ़ गई थी, वो पूरा लंबा कट पड़ा है, उससे टायर बिल्कुल फ्लैट हो गया था। ये देखो उन्होंने रिपेयर करके दिया है, ब्लैक ब्लैक जो पोर्शन है टुक्की कहते हैं उसको लगाइए, या फिर पता नहीं उन्होंने रिपेयर करके दिया है टायर, नहीं तो बिल्कुल नया टायर था, 9,000 किलोमीटर चला था और इसलिए इसे रिपेयर करवाया है। कोई दिक्कत आएगी नहीं वैसे चलने की, अंकल गारंटी ले रहे हैं जो ऑनर है शॉप वाले की, 99% कोई दिक्कत आती नहीं है। तो बस अब इसको रिपेयर लगवाएंगे टायर को, क्योंकि अभी जो अभी तो स्टेपनी पे गाड़ी चल रही थी उस साइड में हमने स्टेपनी वाला टायर लगवाया था, जिसकी स्पीड लिमिट होती है 120। तो आप देख लो ये टायर लग रहा है, उसमें रिपेयर हो रहा है, हमारा 3 घंटे टाइम लिया था, 3 घंटे में टायर रिपेयर कर दिया है और मशीन के थ्रू दिया है वायरिंग पे टायर को। नया टायर था इसलिए चेंज नहीं करा, मैंने कहा आप देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा रहता है, अभी दिक्कत तो देता है या नहीं है, टायर प्रेशर अपना चेक करा लेते हैं। 35 हवा करवाई है मैंने, वैसे तो घर में 32 ही करवानी चाहिए, क्योंकि टायर चलता है, टायर फूल तो भी है, 35 में करवाई थी इसमें प्रेशर। तो ये बड़े टायर हैं, आप टायर शॉप बड़ी अच्छा है शॉप, टायर शॉप पत्र के टायर सीट का यूको का कॉन्टिनेंटल JKR था। तो इसमें जो आता है ब्रेजा के अंदर ये लगता है LNAC 4G अपोलो का 215/60/R16। देख लो आप स्टेपनी, अब स्टेपनी की जगह जा रही है वापस, स्पीड देखिए 120 लिखा हुआ है, इसकी स्पीड लिमिट होती है 120 किलोमीटर पर आवर की, इससे ऊपर आप नहीं लगाना चाहिए स्टेपनी पर गाड़ी को। तो इसको लगा देते हैं, रख देते हैं डिक्की में वापस स्टेपनी की जगह और आ जाता है हमारा पहले वाला टायर ही। तो 9,000 किलोमीटर वाला टायर चलाता है ये, जिसमें जो टायर फट गया था साइड से, ये वाला जो ये बाइक स्टॉल कर रहा है, तो 9,000 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता है। और मैंने भी जो आगे करवाया था 62,000 किलोमीटर बात करवा दी थी, बीच में सोच लिया एक लोगों भी आता है डर, वो भी अभी लगा देंगे। तो यहाँ मैं कह रहा था ये उन्होंने रिपेयर करके दिया है, छोड़ छोड़ इसमें फंस जाएगा पीछे, बस हम स्टेप भी रख दे रहे हैं लगाने वाले ना कस्टमर पीछे आवाज़ ना आए डिग्गी में गाड़ी चलते हुए, बिल्कुल अच्छी तरह से फिट कर देते हैं, टाइट करवाई थी स्टेपनी बिल्कुल, जिससे रास्ते में जो स्पीड ब्रेकर आया उस पर हिले ना आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शायद आपको वीडियो पसंद आए, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।